शख्सियतें और राजनीतिक दलों की अगर बात करें तो उसमें उनका अच्छा घुसपैठ था और लोग उनको रिस्पेक्ट करते थे, और बड़ा ही दुख हुआ मतलब उनके जाने से हमारे समाज को। क्या कुछ मैं भैरूजी महाराज के काफ़ी करीब रहा हूँ, मेरे साथ उनका संबंध रहा है। जैसे कि मैं आपको पता है सब लोगों की हमारा हेलीकॉप्टर का बिजनेस है, तो एक दो तीन इवेंट मैंने हेलीकॉप्टर के माध्यम से गरीब बच्चों के लिए उनके साथ करने का प्रयास किया, तो मेरा उनका रिश्ता बन गया। भैयू महाराज जैसे हमारे यहाँ हिंदुस्तान के संत हुआ करते, गगनगिरी महाराज करके हमारे महाराष्ट्र में काफ़ी फेमस है, मैं उनके साथ काफ़ी रह चुका हूँ। उनको मैंने 36 बार हेलीकॉप्टर से घुमाया गगनगिरी महाराज, उन्हीं की पहचान से मुझे भैयू महाराज जी का संपर्क हो गया। एक अच्छी शख्सियत, समाज सेवा का पूरा चोला पहने हुए थे, और जहाँ भी ज़रूरत पड़े, चाहे वो किसी पक्ष का ज़रूरत हो, चाहे किसी भक्त का ज़रूरत हो, चाहे किसी संस्था की ज़रूरत हो, खास करके भैयू महाराज ने देखा। मैंने महाराष्ट्र के अंदर उनका महाराष्ट्र और इंदौर जो मध्य प्रदेश है वहाँ का बहुत अच्छा संपर्क रहा, लेकिन महाराष्ट्र का उस्मानाबाद जो मराठवाड़ा प्लेस है वहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छा सोशल काम किया। और जैसे उनके उनके अंतिम दिन के बारे में हमको पता चला, हमें काफ़ी शौक लगा, मैं खुद वहाँ जाकर आया, मैं सुबह गया था, शाम को रिटर्न आ गया। और बस यही कहेंगे कि ऐसे लोग स्मरणीय रहते, यादगार रहते हैं, ऐसे लोग जिनका आशीर्वाद हमारे सर के ऊपर रहता है, और उन्हीं के काफ़ी मार्गदर्शक आशीर्वाद के पद हम समाज के अंदर कुछ ना कुछ बोने का प्रयास करते हैं। और कुछ दिनों पहले ही मतलब एक तीन चार महीने पहले उनके एक असिस्टेंट है जो लगातार मेरे संपर्क में, साउथ इंडियन है वे, पुणे में बैठते हैं, उनका संपर्क है कि भैयू महाराज के ऊपर भी हम लोग क्यों ना एक इस तबके का कार्यक्रम करें, कि जो कार्यक्रम हमारे मुंबई शहर से लेके वर्ल्ड वाइज बन जाए, इतिहास बन जाए, हिस्ट्री बन जाए। पर दुर्भाग्य हमारा ऐसा है कि अब वो हमारे बीच नहीं रहे। मैं मेरे सारे परिवार की तरफ से स्पेशल, आज मुझे का बर्थडे है, खुशी का दिन है पर दुख की भी बात है, इसलिए उनके अंतिम जो अंत्ययात्रा उनकी अभी उसी दिन हुई है उसमें हम सब लोग शामिल है। और ख़ास करके मीडिया को मैं गुजारिश करूँगा कि कभी ना कभी ऐसा दिन आए कि मैं भी सोचूँगा कि कम से कम फिल्म तो नहीं पर भैयू महाराज जी के ऊपर मैं कुछ एपिसोड सीरियल्स के अंदर करूँ, उनके जीवनी के ऊपर मैं कुछ एपिसोड्स करूँ सीरियल के माध्यम से। अब ये बोलने वाली बातें नहीं होती है, करने वाली बातें होती है, वक्त का इंतज़ार कीजिए, शायद कुदरत ने सहारा दिया, आशीर्वाद दिया तो वो भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।